बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी सुविधाएं दे रखे हैं ताकि सभी क्षेत्रों में महिलाएं को बराबरी का हक मिले। लेकिन मुख्यमंत्री के गृह जिले में ही महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही। दरअसल बिहार शरीफ सदर अस्पताल में तैनात GMM की शिकायत कुछ स्थानीय तथा कथित पत्रकारों से है। उनका कहना है कि कुछ पत्रकार अस्पताल में आकर उनसे दुर्व्यवहार करते हैं। इस दौरान उन्हें धमकी भी दी जाती है। पीड़ितों ने इस संबंध में CM, स्वास्थ्य मंत्री और जिले के सिविल सर्जन को पत्र लिखा है, जिसके बाद 3 सदस्य टीम का गठन कर जांच के आदेश दे दिए गए। तो मेरा ड्यूटी ईटेट वार्ड में है और मतलब यहाँ कुछ दिनों से है जो मीडिया वाले मतलब इतना अतिक्रमण मचाए हुए हैं। आए दिन है जो सुबह हो, शाम हो, रात्रि हो, आते हैं खाली कुर्सी टेबल का फोटो खींच करके लेके चले जाते हैं। कौन मीडिया वाले हैं, क्या नाम है उनका? उनका नाम हो गया रजनीश है, रजनीश किरण नाम है, अभिषेक नाम है और रविकांत नाम है। ये लोग मतलब हम लोग पर एकदम प्रेशर बनाए हुए हैं। उन लोग को लगता है कि हम लोग उनके अंडर में हैं। वो जो कहेंगे जो होगा, जो कहते हैं वो सुनना है हमको, वही करना है हमको। अगर कोई कंप्लेन नहीं भी होता है किन्हीं पेशेंट का, फिर भी वो आ जाते हैं। रात में 2 बजे भी आ जाते हैं सब पेशेंट का, आदमी महिला सोई हुई है उसका फोटो खींच।